हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था, जनरल एनेस्थेटिक चैप्टर नंबर 7, डी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, लोकल एनेस्थेटिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, जनरल में और लोकल में क्या डिफरेंस है। जनरल क्या होता है, हमारी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को सुन्न करने के लिए होता है, जिससे कि हमें पेन का फील ना हो। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में क्या रहेगा, हम जिस जगह पे लगाएंगे, लोकल एनेस्थेटिक को यूज करेंगे, वो उसी जगह पे, अपने पर्टिकुलर जगह पे अपना असर दिखाएगा। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि वापस से उसी पोजिशन में आ जाना। जैसे मान लीजिए हमने किसी को लोकल एनेस्थेटिक दिया, उसके बाद क्या होगा, उसका असर रहता है मान लीजिए 4 घंटे तक। तो 4 घंटे बाद बंदा अपने नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। और ये काम कैसे करेगा कि जिस जगह पे हम इसे लगाएंगे, लोकल एनेस्थेटिक को जिस जगह पे हम यूज करेंगे, उस जगह पे ये अपना असर दिखाएगा। अब ये असर कैसे दिखाता है अपना, अब ये जो लोकल एनेस्थेटिक है वो असर कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपनी स्किन पे इसे अप्लाई कर लिया। तो स्किन पे अप्लाई कर लिया, वो कैसे करेंगे कि हमारी बॉडी का क्या सिस्टम होता है। मान लीजिए आपको कांटा लग जाता है, तो कांटा लगने का पता कैसे चलेगा कि आपकी जो नर्व होती है ना, नर्व एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यहाँ से केमिकल रिलीज होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज हुआ, वो इस नर्व से इस नर्व के पास जाएगा, इससे आगे तक जाएगा, फाइनली क्या करेगा, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे दिमाग तक उसे लेके जाएंगे, और दिमाग को पता चलेगा कि हाँ हमें कुछ चुभा है। फिर जैसे ही दिमाग वापस से सिग्नल भेजता है हमारे पास, बोलेगा कि यहाँ से अपने पैर को हटाओ, तो वापस से वो सिग्नल आएगा और हम अपने पैर को वहां से हटा लेते हैं। तो न्यूरॉन क्या होता है, हमारा एक तरीके का ट्रांसमीटर, लाने और ले जाने वाला। जैसे कि डाकिया होता है ना, किसी एक बंदे से चीज को रिसीव करता है और दूसरे बंदे तक उसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे न्यूरॉन होते हैं। तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक है वो कैसे काम करता है, जैसे हमने अप्लाई किया, तो ये जो इम्पल्स है इसको आगे वाली नर्व तक जाने ही नहीं देगा। जब जाने ही नहीं देगा तो फिर वो ब्रेन तक भी नहीं पहुंचेगा, और ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो हमें पेन का फील नहीं होता कि हमें पेन किस जगह पे हो रहा है। तो हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं, और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज बता देते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी जो न्यूरॉन्स की कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं करते। उसका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा की वैसा बना रहेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा देखने के लिए। इसलिए लोकल एनेस्थेटिक, जैसे अभी बताया मैंने, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, मतलब बंदे को कुछ समय के बाद उसकी नॉर्मल पोजिशन में ले आएंगे। 4 घंटे का असर दे देंगे, 6 घंटे का असर दे देंगे लास्ट। इसलिए इन्हें कैसे टेम्पररी बेस पे हमें यूज किया जाता है, क्यों करते हैं हम इसको टेम्पररी बेस पे, मान लीजिए किसी को जल गया तो जलने पर पेन होगा, इसलिए हम उसे क्या दे देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक दे देते हैं। किसी की माइनर सर्जरी करनी है, कोई छोटी मोटी सर्जरी करनी है, मान लो किसी की उंगली टूट गई, कहीं पे हाथ फट गया, उसकी सर्जरी करनी है, तो ऐसी छोटी मोटी सर्जरी के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। अब हम ऐसी चीजों के लिए जब लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं तो ये हमारा दर्द को कम करता है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, लोकल एनाल्जेसिक भी कह सकते हैं। एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द को कम करने वाला। जो दर्द को कम करने वाली चीजें होती हैं उनको हम एनाल्जेसिक के अंदर इंक्लूड करते हैं, इसलिए हम लोकल एनेस्थेटिक को क्या बोल सकते हैं, लोकल एनाल्जेसिक भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। इसका मतलब क्या है कि जिस जिस जगह पे हम लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो वो उस जगह पे हमें किस तरीके से वर्क करेगा अपना। तो ये 4 तरह के होते हैं, और फर्स्ट है ट्रॉपिकल एनेस्थेशिया। ट्रॉपिकल एनेस्थेशिया से क्या है कि हमें कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पे खुजली हो रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन का मैंने आपको बताया था, आपको स्क्रीन पे भी शो होगी ये। म्यूकस मेम्ब्रेन किस चीज को बोलते हैं, अंदर की जो ऐसी लेयर होती है, जैसे हम अपना मुंह खोलते हैं, मुंह खोलने के बाद जब हम अपने मुंह में हाथ डालते हैं तो साइड की जो हमारी लेयर होती है, चिक्स की इनर साइड की जो लेयर होती है, उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। थोड़ी गिलगिली सी रहती है ये, और नाजुक भी रहती है, बहुत जल्दी से छिल जाती है। डैमेज स्किन 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 सरफेसेस, मान लीजिए कुछ ऐसा डैमेज हो गया, जल गया है या फिर कट गया है, उस जगह पे फिर हमें दर्द होगा, और उस दर्द को कम करने के लिए हम टॉपिकल एनेस्थेशिया यूज करते हैं, उन्हें टॉपिकल एनेस्थेशिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेंजोकेन, बेंजोकेन ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये दवाइयों के नाम होते हैं। अब सेकेंड आता है हमारा इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया क्या होता है,
जो ड्रग है वो कहाँ लगाई जाएगी, जहां पे मान लो हमें चोट लग गई है उसके आसपास वाले एरिया में वो ड्रग लगाई जाएगी इंजेक्शन की फॉर्म में, कि जिससे कि मान लो ये यहाँ से फट गया, हमें माइनर ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा छोटा सा, तो क्या करेंगे यहाँ पे इंजेक्शन की फॉर्म में हमने इसको अप्लाई कर दिया, ये इसके आसपास का इतना एरिया है ना जितने की नीड है हमें, उसको ये सुन्न कर देगा और आपको अपना इफेक्ट मिल जाएगा। थर्ड जो आता है आप लोगों के पास वो आता है नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक से क्या समझते हो, पहली बात तो इसका जो नाम है वो ही इसको क्लियर करता है, इसके मीनिंग को। नर्व जो कि अभी मैंने आपको बताया जो हमारे सिग्नल को लाने ले जाने के लिए मतलब ब्रेन तक सिग्नल हमारा पहुंचा देती है, ब्लॉक मतलब कि उस चीज को ब्लॉक कर देगा, कि ये एक नर्व हुई यहाँ से ये दूसरी नर्व को सिग्नल भेजेगी तो ये करेगा इस वाले चैनल को ब्लॉक कर देगा। तो इसमें क्या रहेगा कि जो हमारी लोकल एनेस्थेसिया है वो इंजेक्शन की फॉर्म में और हायर कंसेंट्रेशन में लेंगे हम, और जो भी चीज हमें जहां पे भी लगी है चोट लगी है उसके बिल्कुल क्लोज वाले एरिया में हम उसे देंगे, जिससे कि क्या होगा नर्व ब्लॉकेज आएगी। अब जब नर्व ब्लॉकेज आ जाएगी तो हमें दर्द का महसूस नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा दर्द, और फिर ना यहाँ से ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो हमें पेन का महसूस नहीं होगा कि हमारी बॉडी में पेन कहाँ हो रहा है। तो सप्लाइंग स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया का मतलब वो है कि जहाँ पे हमें चोट लगी है या फिर जहाँ पर हम माइनर सर्जरी कर रहे हैं। कोई माइनर सर्जरी का मतलब वही है कि एक कोई छोटी मोटी सर्जरी। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो आता है आपका वो आता है स्पाइनल एनेस्थेशिया। स्पाइनल एनेस्थेशिया से पता चलता है एनेस्थेशिया क्या होती है, जो हमें सुन्न करने वाली दवाइयाँ होती हैं जो हमें दर्द को महसूस नहीं होने देती, और स्पाइनल मतलब जो कि स्पाइनल नर्व पे काम करेंगी। तो ऐसी ड्रग ऐसी दवाइयाँ जो इंजेक्शन की फॉर्म में या फिर मान लीजिए वो वहाँ पे लगाई जाएंगी जिससे कि स्पाइनल नर्व पे असर दिखा के वो काम करेंगी अपना, इसलिए हमें उनका नाम क्या रखना पड़ा, स्पाइनल एनेस्थेशिया। अब आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब अब इन्हें कितनी चीजों में बांटा गया है, इनको अब दो चीजों में बांटा गया है, पहला है एस्टर दूसरा है अमाइल। दो चीजों में बांटा गया है, एस्टर के अंदर हमारा आता है प्रोकेन, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड, ये कंपाउंड एस्टर के अंदर आता है और यही आप लोगों को पढ़ना है। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है और आपको लिखना भी ठीक इसी तरीके से है, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि मार्केट में किस नाम से मिलता है, नोवोकेन के नाम से मिलता है। और प्रॉपर्टीज इसकी देखने में कैसा होता है, टेस्ट क्या होता है, तो ये देखने में या तो मिलेगा आप लोगों को बिल्कुल ही कलरलेस, मतलब कोई भी रंग नहीं रहेगा इसका, या फिर मिलेगा वो व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर, सफेद रंग का क्रिस्टलिन पाउडर मिलेगा। क्रिस्टलिन हम किसको बोलते हैं, हमारे पास दो टर्म होती हैं, एक होती है क्रिस्टलिन दूसरी होती है अमरफस फॉर्म। तो क्रिस्टलिन तो हम उसको बोलते हैं जिसका डेफिनेट शेप और साइज रहता है, और अमरफस हम उसको बोलते हैं जिसका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं रहता, जैसे कि चट्टान वगैरह होती है ना, रॉक्स वगैरह, उनका कोई साइज नहीं होता, उबड़ खाबड़ ऐसे ही बनी रहती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलिन पाउडर रहेगा, जो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड है वो दिखने में ऐसा होता है। दूसरा, अगर हम इसे पानी में घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाता है, और इसका 2% सॉल्यूशन, 2% सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे पानी में घोलने के बाद और जब उसकी पीएच चेक करेंगे तो उसकी पीएच कितनी निकलेगी, 5 से लेके 6.5 तक। ये क्या होती है, ये हमारी वीक एसिड के अंदर आती है ये कैटेगरी, पीएच चार्ट जिसे हम देखने के लिए मिलता है। फोर्थ जो आपका पॉइंट है उसमें क्या रहेगा, इट इज इनकम्पेटिबल विद, आपका फोर्थ पॉइंट जो आता है ये है प्रोक्रेन हाइड्रोक्लोराइड की, जो किसके साथ नहीं बनती, बारबिचुरेट फिनिटोइन सोडियम, ये दो चीजें आप याद रख लेना वही काफी हो जाएंगी। अब इसे रखना कहाँ है, हमें एक ऐसे कंटेनर में इसे रखना है जिसमें हवा ना तो जाए ना वहां से आए और उस पर लाइट ना पड़े। दूसरा, ये किस तरीके से हमें मिलेगा, कौन सी फॉर्म में हमें मिलता है, तो ये मिलता है हमें प्रोक्रेन प्रोकेन एंड हाइड्रोक्लोराइड एड्रेनालिन इंजेक्शन आईपी, और इसके इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं। अब भाई ये एनेस्थेशिया है तो ये सरफेस एनेस्थेटिक, अच्छा सरफेस एनेस्थेटिक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत पुअर होती है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेदना किसी चीज को, डीप लेवल तक, बिल्कुल अंदर तक चले जाना। मान लीजिए ये हमारी कोई स्किन है, इस पे हम अप्लाई कर देते हैं लोकल एनेस्थेशिया, तो ये पेनिट्रेशन इसकी पावर रहेगी कि अंदर स्किन में
किस लेवल तक जाके हमारे दर्द को खत्म करता है। तो इसलिए इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ही बेकार रहती है, इसलिए ये गुड सरफेस एनेस्थेटिक नहीं माना जाता। सेकेंड पॉइंट आपका क्या आता है, ये इंजेक्शन की फॉर्म में यूज किया जाएगा। और कैसे यूज किया जाएगा, इसके साथ एड्रेनलिन ऐड किया जाएगा जिससे कि जो इसका असर है वो और भी ज्यादा बढ़ के मिले, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है प्रोकेन एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन IP। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड कैटेगरी अमाइड्स। अमाइड्स के अंदर तीन एग्जाम्पल हैं, लिग्नोकेन, ब्यूपिवाकेन, प्राइलोकेन। लिग्नोकेन आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये ही आपके पेपर में पूछा जाता है। लिग्नोकेन मार्केट में किस किस नाम से मिलता है, अल्ट्राकेन के नाम से मिलता है, जाइलोकेन के नाम से मिलता है और जाइलोकार्ड के नाम से मिलता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जाइलोकेन के नाम से मार्केट में कैसा मिलता है। अब ये दिखाई कैसा देता है, इट इज अ वाइट स्लाइटली येलो क्रिस्टलीन पाउडर। ये कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का पाउडर रहेगा जिसकी गंध कैसी रहेगी, तीखी गंध रहेगी। दूसरा क्या है कि ये इसे एयर से कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसे खुले में रख देते हैं तो ये खराब नहीं होगा। तीसरा, हम अगर इसे पानी में घोलेंगे तो ये घुलेगा नहीं अच्छे से। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये तो लिग्नोकेन हो गया। एक होता है इसका सेकेंड फॉर्म लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, वो कैसा होता है, वो सफेद रंग का रहेगा लेकिन इसकी तो तीखी गंध होती है और इसकी कुछ भी गंध नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन दोनों ही क्रिस्टलीन फॉर्म के पाउडर रहेंगे। ओके, और ये अगर हम पानी में इसे अच्छे से घोलेंगे तो ये बहुत अच्छे से घुल जाता है पानी में। और इसका फिफ्थ पॉइंट ये बनता है कि अगर हम लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का 0.5% सॉल्यूशन पानी में घोलते हैं तो उसकी pH चेक करने पर कितनी निकलेगी, 4 से 5.5 तक निकलेगी। अब नोट के अंदर आपको क्या चीज नोट करनी है कि जो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड होता है उसकी सिर्फ फिनिटोइन के साथ नहीं बनती। और इसको स्टोर कैसे करेंगे हम, इसको रखना किस जगह पे, एक ऐसे कंटेनर में जिसमें किसी तरीके की लीकेज ना हो और उस पर लाइट भी ना पड़े। और ये किस फॉर्म में मिलेगा हमें, लिग्नोकेन एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन DPIP। VP मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया। अब इसके यूजेस किस किस तरीके से हैं, अभी लोकल एनेस्थेटिक का पार्ट है तो भाई ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की तरह ही काम में लिया जाएगा। बट इसका एक प्लस पॉइंट ये देखा जाएगा कि इसका फास्ट ऑनसेट होता है। ऑनसेट का मतलब है कि कोई भी चीज अपना काम कितनी जल्दी शो कर रही है, अपना असर कितनी जल्दी दिखा रही है। सेकेंड पॉइंट इसका बनता है कि ये जो यूज किया जाता है वो किस फॉर्म में यूज किया जाता है, इंजेक्शन की फॉर्म में यूज किया जाता है। और जब कैसे, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें अगर कोई दिक्कत हो जाए उसको सेटिस्फाई करने के लिए। इसका थर्ड पॉइंट बनता है कि सरफेस एनेस्थेशिया की तरह भी यूज किया जाता है। और किस किस फॉर्म में यूज किया जाता है, क्रीम, ऑइंटमेंट और स्प्रे। अब स्प्रे का भी माइंड में इमेज बन जाता है, क्रीम का भी बन जाता है। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट हमारे रहते हैं जैसे कि मूव, वॉलिनी और ओमनी जेल वगैरह आते हैं, जो हमारे पेन किलर्स ऑइंटमेंट जो स्किन पे अप्लाई करने वाले जो आते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, लिग्नोकेन इज ऑल्सो यूज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है लिग्नोकेन को। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, ये एक तरीके का हार्ट अटैक होता है जो कि किसकी वजह से होता है, जो हमारे हार्ट की वेन्स होती हैं उनमें क्या होता है, थक्के जम जाते हैं जिसे हम क्लॉटिंग कहते हैं। उसकी वजह से जो हमें हार्ट अटैक आता है उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 लोकल एनेस्थेटिक खत्म होता है।